बेस्ट फ्रेंड हैशटैग फिल्ममेकर हैशटैग डायरेक्टर के बाद एंट्री हो चुके हैशटैग वीटू, जिसने आते ही अपने चपेट में ले लिया कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को, जिसमें अब नाम शामिल हो चुका है बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी का, जो है आलोकनाथ जी। यहाँ हम बात कर रहे हैं आलोकनाथ जी की, जो बिदाई बिटिया जैसे शो में पिता का रोल करते हुए नजर आते थे और आज खुद ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में सुर्खियों में आ चुके हैं। ये एलिगेशन डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुकी विंता दत्ता ने लगाया है, जिसके बाद कई टीवी स्टार्स ने आलोकनाथ को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जिस पर आलोकनाथ का कहना है कि आज के जमाने में अगर कोई महिला किसी पुरुष पर आरोप लगा देती है तो उस पुरुष का इस पर कुछ कहना मायने नहीं रखता। मैं विंता को अच्छे से जानता हूँ, इसमें मैं चुप ही रहना चाहूंगा। उन्हें विचार रखने का हक है, समय आने पर सही बातें सामने आएंगी। फिलहाल मैं इस बात को पहचानने की कोशिश में लगा हूँ, बाद में इस पर कमेंट करूंगा। तो क्या इस चुप्पी का मतलब यही है कि आलोकनाथ जी सिर्फ इस सिचुएशन से बचने के लिए समय आने पर बताऊंगा का इंतजार कर रहे हैं, या यूं कहें अपनी साख बचाने के लिए सही समय तो अभी ही है? सच कहा है, टाइम कैन हील एवरीथिंग बट कैन नॉट चेंज द ट्रुथ। बने रहिए नेशनल लाइफ 24/7 के साथ।